ये सवाल है सातवां, जिसमें उसने कहा है कि एक संपूर्ण त्रिभुज को, ये संपूर्ण त्रिभुज है हमारे पास, इसमें तीन भुजाएं हैं, 5, 12 और 13, ये 90 डिग्री का कोण है। उसने कहा है कि अगर हम इसे 12 सेंटीमीटर भुजा के परिधि घुमाएं, यानी इसको यहाँ से घुमाना शुरू करिए ऐसे, तो पांच वाली भुजा इधर उधर घूमेगी, तो पांच वाली भुजा घूमेगी तो वृत्त का निर्माण करेगी और ये वाला भाग इधर आएगा, तो इस तरह से शंकु का निर्माण हो गया। तो यहाँ हमने लिख भी दिया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा के परिधि त्रिभुज को घुमाने पर ठोस शंकु के रूप में होगा, जिसकी त्रिज्या 5 और ऊंचाई जिसके परिधि आप घुमा रहे हो 12 सेंटीमीटर भुजा के परिधि, वो इसकी ऊंचाई है, यानी r बराबर आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर और h बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन का सूत्र आप लगाएंगे, क्योंकि ठोस का आयतन निकालना है, ठोस की जगह निर्माण शंकु का हुआ है, तो इसलिए हम शंकु का आयतन निकालेंगे, 1/3 πr, 1/3 πr, r का मान रखिए 5, h का मान रखिए, किताब में जो उत्तर दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है, 1/3 πr, r का मान 5 का वर्ग गुणा 12, 3 × 4 = 12, 5 × 25 = 100 πr cm की घात 3, किताब में आंसर इतना ही है, पाई का मान नहीं लगाया, लेकिन आप पाई का मान लगा कर ही निकालिए, क्वेश्चन पेपर में पहले लिखा होता है कि जहाँ पे पाई का मान नहीं दिया है वहाँ 22/7 लगा। ऐसे ही इसमें आठवें सवाल में इसी सवाल को उसने कहा है कि इस बार जो आप घुमाएंगे इसको वो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परिधि घुमाएंगे, तो ये फिक्स रहेगी, ये घूमेगी, तो एक तरह से ये त्रिज्या हो जाएगी 12, ऊंचाई हो जाएगी 5, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² मान लगाएंगे और आपके पास ये उत्तर है। इसका पाई में उत्तर चाहेंगे आप तो कुछ इस तरह से आएगा 144/5, तो ये कटेगा इससे 3 × 12 24, 5 × 40 और 5 × 20 = 24, दोनों 240 πcm की घात 3 पाई में इसका उत्तर आएगा, नहीं तो आप इस तरह से निकालेंगे इसको, या तो होल में लिखेंगे या पॉइंट में, ठीक है, कर लीजिए।